व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे स्केरियस्ट व्हाट्सएप चैट स्टोरीज विद माय सिस्टर पार्ट टू। पार्ट वन ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में आया था भाई यार, इतना गैप मतलब पार्ट टू में थोड़ी जल्दी आ सकता था मुझे लगता है। बाकी करते साथ में एंजॉय चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। तो आपको याद होगा आज से कुछ 6 महीने पहले December 16, 2023 को एग्जैक्टली मैंने मेरी बहन प्रेरणा के साथ स्केरियस्ट व्हाट्सएप चैट स्टोरीज विद माय सिस्टर पार्ट वन नाम की एक वीडियो पोस्ट करी। अरे भाई, जब आगे कोई पार्ट पोस्ट करना ही नहीं था तो पार्ट वन क्यों लिखा था टाइटल में हमको उल्लू बनाने के लिए? ऐसे मेरे को काफी सारे कॉमेंट्स आए, तो आज इस लेजेंडरी वीडियो का लेकर आए हैं हम पार्ट टू। फर्स्ट डेट, पहली मुलाकात। तेरी तो डेट पे जाने की अभी शुरुआत ही हुई थी, उससे पहले ही तुझे हॉरर स्टोरी दिखने वाली है। कई लोग अपनी फर्स्ट डेट पे जाने से पहले भी सोचेंगे वीडियो देखने के बाद। कुछ बोल रही है। शुरू करते हैं। तो रुचि का मैसेज आता है। हाय, कहाँ हो? अभी तक डेट के लिए पहुँचे नहीं? क्यों, तुमसे और वेट नहीं हो रहा क्या मुझसे मिलने का? Shut up, वो तो मिलने का टाइम 6:30 था और तुम अभी तक नहीं आए। फर्स्ट डेट पर कौन लेट होता है? सॉरी बाबा, ट्रैफिक में फंस गया था, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आज तुम्हें फेस टू फेस देखूंगा। एक सेकंड, व्हाट? ये पहली डेट है और पहली बार वो एक दूसरे को मिलने वाले हैं, ये अभी तक सिर्फ टेक्स्ट पे बातें कर रहे हैं। ये वो इंस्टाग्राम डीएम्स में बंदी पटा लेते हैं, फिर उसके बाद चलो इंस्टाग्राम डीएम से बड़ी शादियां हो जाती है, तुझे नहीं पता? अरे यार, इंस्टाग्राम वाला प्यार फेक ही नहीं होता भाई, वो एंजल प्रिया मेरा फोन रिचार्ज करा दो, वही सब ही होता है। थैंक गॉड उसने बाबू नहीं बोला, सॉरी बाबू, बाबा बोला ना, बाबू नहीं बोला। अच्छा तो बाबा ठीक है, बाबू क्रिंज है। यू आर राइट ब्रो, बोल तो ऐसे रहे हो कि पहले कभी देखा ही ना हो, अबे तो बोल तो रहा है वो। फोटोज में देखा है ना, सच में देखना इज डिफरेंट। अरे वही बोला उसने। हाँ, लेकिन फोटोज और वीडियो कॉल्स में देखने की बात अलग होती है, सच में मिलना इट्स जस्ट डिफरेंट, इट्स स्पेशल, यू आर स्पेशल। ऐसे लोग सच में ऐसी चीजें लिखते हैं, पीपल एक्चुअली टाइप ऑल दिस। तूने कभी नहीं लिखा ऐसा, डोंट टेल मी, लिखते हैं लोग यार, कम ऑन, दिस इज पोएट्री। वेरी गुड। हे मिस्टर, ऐसी बात करने से ये मत सोचो कि तुम्हें लेट होने पर सजा नहीं मिलेगी। तुम्हारी हर सजा सर आंखों पर, तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई, यही बड़ी बात है भाई। दीज आर लिटरली जन्मजात सिंगल लौंडे, जिनसे लड़की अगर बस मिलने के लिए रेडी हो जाए ना तो उनके लिए हो गया बस। अभी तक ये बंदा जो है शादी के बाद बच्चे भी प्लानिंग कर चुका है। मैं बता रही हूँ उसका बहुत बुरी तरह पोपट होने वाला है। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है, ये एंजल प्रिया ही निकलेगी, यही हॉरर स्टोरी है। मिलना तो हमें था ही, तुम्हें पता है ना कि मैं पिछले 2 महीने से इसी का वेट रही हूँ। सेम, मुझे ये ऑनलाइन डेटिंग वगैरह बिल्कुल बिलीव नहीं था, सच बताऊँ तो डर लगता था। लगना भी चाहिए। बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे तुम्हारी प्रोफाइल मिली और आज हम सच में मिल रहे हैं। जन्म जन्म के साथ ही। अब जल्दी आओ यार, रेस्टोरेंट में लोग मुझे घूर रहे हैं, वो तो वेट कर रही है ऑलरेडी। सोच रहे होंगे कौन पागल लड़की अकेले बैठी है, ना कुछ ऑर्डर कर रही है ना जा रही है। आई एम जस्ट देयर, बस पहुंच गया, 2 मिनट। तुम वो कॉर्नर वाली टेबल पर हो ना? उसे कैसे पता? कैसे पता क्या, शक्ल फोटोज में तो देखी है, इंसान थोड़ी ना। तो मतलब वो पहुंच गया है? अब कुछ घंटे के बाद। ओके, तो अब डिनर हो गया है, उसके बाद की बात है। थैंक्स फॉर द डिनर, आज मैंने बहुत एंजॉय किया, यू आर सो फनी एंड स्वीट। प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और भी अच्छा लगता अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता। Naughty, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये लौंडा प्रिया नहीं, नहीं लड़की एंजल प्रिया नहीं, लड़का एंजल प्रिया का बॉयफ्रेंड नहीं, लड़का हवसी अंकल है कोई। Naughty, naughty। तुम अभी तक घर पहुँची या नहीं? नहीं, लेकिन तुम्हारे बताए शॉर्टकट से जल्दी पहुँचूंगी। अरे फंस गई, फंस गई। पहुँच कर कॉल करना। हाँ, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही और मेरा सर भी घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ओह माय गॉड, मैंने जो तुम्हारे ग्लास में दवाई मिलाई थी वो फाइनली असर कर रही है। ये ऑफ स्क्रिप्ट था बट यही सच्चाई है। तुम ठीक हो? कहाँ तक पहुँची हो अभी और कितना टाइम लगेगा तुम्हें घर आने में? आई डोंट नो, टैक्सी वाला जिस रस्ते से ले रहा है वो तो तुम्हारा बताया हुआ है, मुझे इस एरिया का पता नहीं। ओह माय गॉड, रोहन लड़के का नाम फाइनली पता चला, रुचि एंड रोहन। क्या हुआ? इस टैक्सी वाले ने पता नहीं कहाँ लेकर टैक्सी रोक दी है। क्या मतलब? इज रियली वियर्ड, वो बाहर जाकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। ओह माय गॉड, मेरी आंखें बंद हो रही है यार। व्हाट
टैक्सी वाला तो बहुत भेड़ा लग रहा है भाई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे निकलेगी? तो मुझे टेक्स्ट करना बंद करना और भाग टैक्सी से। ब्रो लिटरली टैक्सी वाला जो है लग रहा है कि किसी से फोन पे बात कर रहा है और शायद तेरे को कोई दवाई दे दी गई है। पहले फोन पे टेक्स्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आज ही डेट हुई है। भागना, 100 नंबर पे फोन कर, रोहन को क्या बता रही है। चल कुछ देर के बाद। कुछ देर के बाद। हेलो रुचि, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हुआ? अरे बताओ ना, आर यू ओके? मैं वहाँ से भाग आई, शुक्र है भगवान का। क्यों 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 भागी, क्यों? मर जाना था। टैक्सी वाला मुझे सही नहीं लग रहा था, उसे अभी भी अच्छा। वो सही नहीं लग रहा था, मतलब उसे पता नहीं था। अच्छा अभी हो कहाँ तुम? मैं वहाँ से भागकर मेन रोड की तरफ जा रही हूँ। उसको वैसे शॉर्टकट पता नहीं था, बट अभी उसे पता है कि मेन रोड कहाँ है। ओ वाह, मुझसे चला नहीं जा रहा। समथिंग इज रॉन्ग विद मी। ओ नो रोहन, वो टैक्सी वाला मेरा पीछा कर रहा है। मैं बता रही हूँ लड़की एड़ी है। हो सकता है लड़की शाणी हो या रोहन को। अभी तू देखता जा, सच में एंजल प्रिया निकलेगी। तू मुझे अभी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। ये नहीं कि मैं वहाँ पे पुलिस वालों को भेज दूँ या फिर तू फोन करके पुलिस वालों को बुला ले। नहीं, मैं आता हूँ वहाँ पे। करती रहे ताकि कुछ होना हो तो अभी हो जाए। हाँ। मैं उस आदमी को चकमा देकर भाग आई हूँ, लेकिन अब मैं और आगे नहीं जा सकती। पर क्यों? प्लीज रुचि, अपनी लोकेशन भेजो मेरे को, भेज दे यार, क्योंकि तू तो 2 साल की बच्ची है जिसको पता ही नहीं है। थोड़ी बच्ची हो क्या? अब ये वाली चैट किसी और के साथ है जिसका अभी तक नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, माय गॉड, एक काम नहीं होता ना तुझसे, भाग गई ना ये लड़की भी। रोहन ही एड़ा था। तुझे कैसे पता? क्योंकि वो मुझे मैसेज कर रही है। इतनी मुश्किल से मैं इन लड़कियों को जाल में फंसाता हूँ, बिना किसी को बताए मुझसे मिलने के लिए मैनिपुलेट करता हूँ, और तू इतनी आसानी से उन्हें अपने हाथ से निकल जाने देता है। राइट, राइट, मैंने बोला था ये हफ्ती अंकल है, ये रोहन, ही इज नॉट रोहन, ही इज रावण। ओह वाओ, यस। इंटरनेट पे बात करके किसी को बहलाना और सच में किडनैप करना अलग अलग बात है। तू तो बस अपनी शक्ल दिखाता है और चिकनी चुपड़ी बातें करता है, असली काम तो मेरा होता है, उनको उठाकर अड्डे तक लेके जाना। क्योंकि यही डिसाइड हुआ था, और तेरा काम भी तो मैं ही आसान करता हूँ ना, उनके खाने में ड्रिंक्स मिलाकर, ताकि तू आसानी से उन्हें उठा सके और वो कुछ ना कर पाए। आई वॉज राइट, मैंने बोला था उसने उसको ड्रग्स मिलाया। लेजिट इंस्टाग्राम वाला प्यार कर लो, और इंस्टाग्राम पे चिकनी चुपड़ी कर लो। बी सेफ गाइस, बी सेफ, ऐसे लोग घूम रहे हैं इंटरनेट पे। ये बेशक एक व्हाट्सएप स्टोरी है, बट दिस इज ट्रू। बोलो वैसे थ्रिलर थी, हॉरर नहीं। अब सिखा मत, पूछ उस लड़की से वो कहाँ है, और बता मुझे, बाप को मत सिखा। तेरी वजह से पिछली बार भी एक लड़की भाग निकली थी, वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस निकम्मी है, वरना हम और हमारी पूरी गैंग आज जेल में होती। तू ढूंढ, वो वहीं गई होगी। मैंने उसके खाने में जो दवाई मिलाई थी उसके नशे में वो दूर नहीं जा पाएगी। Guys are creepy. तू आ रहा है यहाँ? नहीं, मेरा काम सिर्फ उन्हें तुझ तक पहुँचाने का है, आगे अच्छा? तू जाने। और वैसे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, लगता है गलती से उस का कुछ डोज मैंने भी लगता है गलती से उस का कुछ डोज मेरे खाने में भी पहुँच गया था। मिली क्या वो लड़की? जवाब दे, कुछ जवाब देना, दे मैं जवाब। बोल अभी, हूँ क्या करी, बोल। मैंने थोड़ी किडनैप किया है। कुछ मिनट्स के बाद। वो वो वो, ये क्या है? उसे लजपत बुक्की भेजी उसने। ये क्या है राकेश? मर गया राकेश। भाई रुचि ने मार दिया। ये क्या मजाक है, क्या हो रहा है ये? दूसरों की जिंदगी मजाक लगती है तुम्हें, जब खुद पर आती है तो कैसा लगता है? रोहित, रुचि, ये तुम हो? हाँ मैं रुचि। अब तुझे रोहित कहूँ या नीरज या भास्कर? कितने अलग अलग नाम से तूने कितनी लड़कियों को फंसाया है सब पता है मुझे, गद्दार। ए तू कौन है? के कच्चर में फेंक दूंगा। कच्चर? व्हाट इज कच्चर? कचड़े में। अच्छा, लास्ट तक नहीं मिलेगी तेरी। कैसे जानती है तू मेरे बारे में? नहीं, इस बार तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार तुम शिकारी नहीं, शिकार हो। क्या क्या क्या? पिछले 2 महीने से तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें फंसा रही थी। आज के इस दिन का इंतजार तो मुझे बहुत टाइम से था। निक्की याद है तुम्हें? निक्की, वो लड़की जो हमसे बचकर भाग गई थी? हाँ, तुमसे बचकर तो वो भाग गई थी, पर तुमने उसे तो नशे की दवा दी थी, उसकी वजह से वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई, और आगे जाकर एक ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही। वो बहन थी मेरी। अच्छा। पुलिस ने तो उस केस को दबा दिया, लेकिन मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहूंगा। अच्छा हुआ वो मर गई। हमारे खिलाफ जितने कम गवाह उतना अच्छा होगा। तुझे क्या लगता है, तूने मेरे एक आदमी को मार दिया तो मुझे भी हरा देगी? पुलिस को तो मैं घूस देकर ही बच जाऊंगा, लेकिन तेरा क्या होगा? तुझे भी मैं तेरी बहन तक पहुंचा दूंगा। मैंने कहा ना, तुम इस बार कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तू मुझे भी मारने आ रही है यहाँ। आजा आजा, तुझे तेरी बहन के पास पहुंचा दूंगा।
मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हर चाल इस बार तुम पर ही चली गई है। क्या मतलब? तुम जिस तरह मासूम लड़कियों के खाने में उन्हें ड्रिंक्स मिलाकर देते थे, वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया है। ओह माय गॉड! याद है जब तुम वॉशरूम गए थे, तब मैंने भी तुम्हारी ड्रिंक के साथ छेड़खानी की थी, लेकिन मैंने तुम्हें नशे की दवा नहीं जहर दिया था। इसलिए मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कौन सा जहर दिया है तूने मुझे? कोई फायदा नहीं जानकर, जब तक तुम किसी डॉक्टर के पास पहुंचोगे, ये जहर अपना काम कर चुका होगा। जिस तरह पुलिस पैसों के बदले उन लड़कियों के मिसिंग केस दबा देती है, वैसे ही तुम्हारी मौत को भी इग्नोर कर देगी। गुड बाय। अब ये रिप्लाई तो नहीं करेगा इसको? मर गया ना सीधा? मर गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई रुचि भाई खेल गई भाई। मैंने क्या कहा था, दोनों मुझे येड़े लग रहे हैं। पहले वो येड़ा, फिर वो येड़ी, फिर येड़ा येड़ी। क्या बात है सर, एक येड़ा खाएगा पेड़ा। जी हाँ, तो ये था स्केरियस व्हाट्सएप चैट स्टोरीज। ये टाइटल किसने सोचा था? मैंने ही सोचा था। बहुत वाहियात टाइटल है। आई मीन इसका पार्ट टू हो गया है गाइस। अगर आपको और पार्ट्स चाहिए विद प्रेरणा तो कमेंट कर देना पार्ट 3। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रॉपर वैसा जो हॉरर हॉन्टेड हॉरर माहौल, बीच में कॉमेडी हो जाती है। लेकिन इस पार्ट में मेरे को लास्ट तक ही लग रहा था कि जो लड़की के जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जो चली गई थी, मुझे लगा वही आ गई है एज अ चुड़ैल। मुझे लग रहा था वो, और वो एंडिंग होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा मजा आता कि वो घोस्ट वाला, फिर वो टिपिकल एक स्केरी या हॉरर वाली वाइब आती। यहाँ पर तो उसकी बहन बता रही थी, तो इसको हम क्राइम या थ्रिलर टाइप कह सकते हैं, इसको स्केरी भी कह सकते हैं, हॉरर टाइप नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हॉरर होती तो और वो ट्विस्ट होना चाहिए था कि उसकी आत्मा आ चुकी है तुमसे बदला लेने के लिए, तू तो गए हो लाला, ये वो, इस तरीके से। इंटरेस्टिंग थी, बढ़िया थी स्टोरी। और बाकी स्केरी व्हाट्सएप चैट वाले भी एक अलग ही फैन बेस तैयार हो रहा है, लेकिन ऐसा फैन बेस कैसा जो तुम मजबूर नहीं कर पा रहे? एक एक साल में एक वीडियो आ रही है यार, 6-7 महीने बाद आई, कमेंट करके स्पैम। एक क्रिएटर को इतना वो डीएम कर दो कि भाई वो मजबूर हो जाए उसी का पार्ट अगला लाने के लिए। बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।